त्रिलोचन के द्वारा लिखा गया है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती के बारे में पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। इनके जो कविताकार हैं, जिन्होंने इस कविता को लिखा है, उनका मूल नाम था वासुदेव सिंह। जन्म सन 1917 चिरानीपट्टी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के साए, हुए दिन, शब्द उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ, चेती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला इनका काव्य संग्रह है, देश काल, रोज, नामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं ये गद्य हैं। हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान। इनको जो सम्मान मिला है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इनका जो प्रमुख सम्मान है, साहित्य अकादमी सलाका सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार उत्तर प्रदेश, हिंदी साहित्य में त्रिलोचन, प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं, रंगात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ ये बहुभाषा शास्त्री भी हैं, इसलिए इनके नाम के साथ शास्त्री भी जुड़ गया है। लेकिन यह शास्त्रीयता उनकी कविता के लिए बोझ नहीं बनती। त्रिलोचन जीवन में निहित मंदलय के कवि हैं, प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा इनके यहाँ काफी कुछ स्थिर है। की भाषा छायावादी रूमानियत से मुक्त है तथा उसका ठाट ठेठ गांव की जमीन से जुड़ा हुआ है। त्रिलोचन हिंदी में सानेट अंग्रेजी शब्द को स्थापित करने वाले कवि के रूप में माने जाते हैं। त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा को चुटीला और नाटकी बनाकर कविताओं को नया आयाम देता है। कविता की प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद नहीं रहता। उनका कवि इन दोनों के बीच फाक की गुंजाइश नहीं छोड़ता। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती नामक कविता धरती संग्रह में संकलित है। यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्ति करता है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विश्लेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक ओर शिक्षा व्यवस्था के अंत विरोध को उजागर करता है तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है, जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। काव्य नायिका चंपा अनजाने ही उस पोशाक शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, जहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। वह कहती है, कलकत्ते पर बंजर गिरे, कलकत्ते पर ब्रज गिरने की कामना जीवन के खुर्दरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवट को प्रकट करती है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती है, इसके जो
काव्य है, जो कविता है, जिसको त्रिलोचन ने लिखा है, इनके कवि हैं, उन्होंने जो चंपा है उसके बारे में बताया है, मैं इसका भाव और सारांश आपको बतलाने जा रहा हूँ। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती है। कविता के रचयिता त्रिलोचन है। प्रस्तुत कविता त्रिलोचन के धरती संग्रह में संकलित है। यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक ओर शिक्षा व्यवस्था के अंत विरोधों को उजागर करता है, तो दूसरी ओर उस दरुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है, जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। कवि ने गांव में रहने वाली लड़की चंपा के माध्यम से उन अनपढ़ लड़कियों की स्थिति का वर्णन किया है, जो अभी तक पढ़ाई लिखाई के महत्व को नहीं समझती हैं। कागजों पर लिखे काले अक्षरों से निकलते स्वर को चंपा को आश्चर्य होता है। चंपा सुंदर नामक एक ग्वाले की बेटी है और स्वयं पशुओं को चराने का काम करती है। पढ़ाई लिखाई से उसका कोई नाता नहीं है। कभी जब पढ़ने लिखने बैठते हैं तो चंपा उनकी पठन लेखन सामग्री चुरा कर उन्हें तंग करती है। कवि को कागज पर लिखता देख चंपा उसे प्रश्न करती है कि क्या यह अच्छा काम है। कवि चंपा को गांधी जी का उदाहरण देकर पढ़ाई का महत्व समझाते हैं, लेकिन चंपा यह मानने को तैयार नहीं होती। कवि उसे समझाते हैं कि यदि वह पढ़ लिख लेगी तो ब्याह के बाद जब उसका पति पैसे कमाने के लिए दूर कलकत्ता चला जाएगा, तब वह उसे अपना संदेश भेज सकेगी, उसका भेजा हुआ पत्र पढ़ सकेगी। परंतु पढ़ाई लिखाई के महत्व से अनभिज्ञ चंपा कहती है कि अव्वल तो वह ब्याह करेगी ही नहीं, और यदि हो भी गया तो अपने पति को सदैव अपने साथ रखेगी। वह ऐसे कलकत्ता का नाश चाहती है जहां जाने के बाद कोई अपनों को याद ना कर सके। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपाई को लेकर चरवाही करने जाती है। इसके जो संदर्भ हैं और प्रसंग हैं, मैं उसके बारे में आपको बतला रहा हूँ और समझा रहा हूँ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के पाठ चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती से लिया गया है, और इसके जो कवि हैं, इसके जो रचयिता हैं, वह त्रिलोचन हैं। इसका जो प्रसंग है वह इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रगतिशील काव्यधारा के सुप्रसिद्ध कवि त्रिलोचन ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक भोली भाली अनपढ़ ग्वाला बाला चंपा का चित्रण किया है, जो पढ़ाई लिखाई के महत्व से अनभिज्ञ है। वह गाय भैंस चराती है। इसकी जो व्याख्या है वह इस प्रकार है। कवि बताता है कि चंपा नामक यह लड़की एकदम अनपढ़ है, यह काले काले अक्षरों को पहचान तक नहीं पाती है, वह निरक्षर है। हाँ, इतना आवश्यक है, जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो कौतूहल वंश वह मेरे पास आ जाती है
और मुझे उन अक्षरों को वाचते हुए अथवा पढ़ते हुए सुना करती है। मेरे इस प्रकार काले काले वर्णों को देखकर पढ़ने पर उसे बहुत आश्चर्य होता है। वह यह सोच सोचकर हैरान परेशान हो जाती है कि इन काले प्रतीकों से ध्वनि कैसे निकलती है। वह इन अक्षरों में छिपे रहस्य को समझने में असमर्थ रहती है। कभी आगे बताता है, चंपा सुंदर नामक एक गोपालक की बेटी है जो आजीविका के लिए गाय भैंस पालता है। चंपा इस कार्य में अपने पिता का सहयोग करती है। उन चार और उन चार पैरों वाले जानवरों अर्थात गाय भैंसों को चराने जाती है। तात्पर्य यह है कि चंपा अनपढ़ है और पशु चराती है। मैंने आपको चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती है के बारे में पढ़ाया है। उसके भाव, उसके सारांश को आपको समझाया है और इसके जो काव्य हैं उसके बारे में भी आपको समझाया है। त्रिलोचन जो कवि हैं इनके जीवन परिचय के बारे में आपको बताया है। आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और बहुत मेहनत करिए, और कोई दिक्कत हो तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं।